माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास हमारे कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम को सुसमाचार प्रचारकों के तारे कहते हैं। जितने भी सुसमाचार प्रचार करते हैं उन लोगों को मदद करने वाली, उनके साथ रहने वाली, उनकी सहायता करने वाली माता मरियम के रूप में कैथोलिक कलीसिया बताते हैं। हमें मालूम है आदिम कलीसिया में माता मरियम की उपस्थिति, शिष्य लोग डर से यहां वहां भाग रहे थे, उनको सब इकट्ठा कर पेंतिकोस्त के दिन तक उनके साथ रह करके प्रार्थना करने वाली मां। इसके बाद संधि योहन के साथ पहले यरूशलेम में, इसके बाद एफेसुस में रह करके सुसमाचार का प्रचार में मदद करने वाली मां। आज भी सुसमाचार प्रचारकों के साथ देती है। माता मरियम को सुसमाचार प्रचार के तारे जो बोलने के पीछे का एक घटना 1531 में माता मरियम ने मेक्सिको के गाडलेपे नाम जगह पर जुआन डियोगो नाम का एक व्यक्ति को दर्शन दिया। वहां पर उस दर्शन में जुआन डियोगो एक साधारण आदिवासी परिवार का है, इसलिए वो डर रहा था। जो संदेश माता मरियम ने उनको दिया वो बिशप तक लेकर जाने के लिए वो बार बार कर रहा था, मुझे मत भेजिए ना, मैं क्या है, मैं कुछ नहीं है, कुछ पढ़ लिख करके कुछ अच्छे लोगों को जिन्हें बिशप सुनेगा उनको भेजी। हमें मालूम है वो दर्शन 9 दिसंबर 1531 से लेकर के 12 दिसंबर 31 तक चला था। अर्थात इन 4 दिन के अंदर माता मरियम ने 5 बार दर्शन दिया था। 4 दिन में 5 बार दर्शन दिया, उनमें से 4 दर्शन जुआन डियोगो को दिया था और 1 दर्शन जो है उनके अंगल जो मृत्यु के अवस्था में पड़ा था और उनको चंगाई देते हुए उस समय पर उस अंगल ने उनके बेड के पास में माता मरियम को प्रार्थना करते हुए देखा था। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 5 दर्शन हुआ। सबसे पहले ये जुआन डियोगो बहुत बड़ा एक भक्त व्यक्ति था, रोज वो पवित्र मिसा में भाग लेते थे। उनके घर से काफी दूर है चर्च, फिर भी वो दौड़ करके जाते हैं। जंगल की रास्ता, पहाड़ी रास्ता होते हुए वो रोज चर्च जाते थे प्रार्थना के लिए। उसी रास्ते में जो तपेया पहाड़ है वहां पर एक कुंवारी से मुलाकात होते हैं। दूसरी बात है, माता मरियम ने वहां पर वो जो दर्शन दिया, जुआन डियोगो के जो लोकल भाषा है, अपनी जो फर्स्ट जो मदर टंग जो होता है वो मदर टंग में इससे बात किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वहां के लोकल्स जो ड्रेस पहनते हैं उसी प्रकार का ड्रेस पहनी हुई थी। तीसरा, वो एक गर्भवती जैसे दिख भी रहे थे।
तो इस प्रकार एक लोकल स्त्री के समान लोकल भाषा में बात करने वाली के रूप में जुवान डियोगो को दर्शन देकर के आग्रह किया इस तपेयाक पहाड़ पर पर्वत पर एक चर्च बनाने के लिए, जिसके द्वारा लाखों लोगों का मन परिवर्तन होगा, पापियों का मन परिवर्तन होगा, लोग प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करेगा। ये बात जाकर के बिशप को बता दो, बस यही कार्य जुवान डियोगो को करना था। लेकिन जुवान डियोगो डर गया, मेरी बात बिशप कैसे मानेगा, मैं तो एक साधारण व्यक्ति है। इसलिए बार बार ये कह रहे थे कि आप किसी और को ये काम दो। पादा मरियम बार बार बोल करके फिर इनको भेजते हैं। ये गया उसी दिन मिसा के बाद बिशप से मिले, लेकिन बिशप ने बोला जाओ जाओ, नहीं सुना। वो चुपचाप आ गया क्योंकि वो ऐसे ही डर रहा था। आया वापस जाते वक्त दूसरी बार माता मरियम ने दर्शन दिया तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने पहले ही बोला था बिशप नहीं मानेगा। इसके बाद माता मरियम ने फिर से उसे कहा, नहीं फिर से जाओ, फिर बताओ वो मानेगी। अगले दिन 10 तारीख इतवार था, मिसा के बाद फिर से बिशप से मिले, फिर से मेरे को माता मरियम ने कहा बोल करके, माता मरियम नहीं एक युवती ने कहा। तो बिशप ने फिर उनसे आग्रह किया, अगर ऐसा है तो कोई चिन्ह मांग लो, कुछ चिन्ह मांग लो। वही सुनकर के वो वापस गया। तीसरा दर्शन वहां पर फिर से हुआ। तब 10 तारीख को वो शाम को माता मरियम से कहा, चिन्ह मांग रहा है, चिन्ह के बगैर नहीं। तो माता मरियम ने कहा, कल अर्थात सोमवार 11 तारीख को आ जाओ, मैं चिन्ह दे दूंगा। लेकिन वो जब घर पहुंचा तो उनका मामा बहुत सीरियस बीमार है, इसलिए 11 तारीख को नहीं लौट पाया, अपने मामा के साथ रहा सेवा करते हुए। लेकिन रात्रि में उनका तबीयत और ज्यादा बिगड़ गया, ऐसे लगने लगे मरने वाला है। इसलिए सुबह सुबह उड़ करके किसी पुरोहित को बुला के लेके आएंगे जो संस्कार वगैरह देने के लिए, रोगी विलेपन करने के लिए। इसलिए वो सुबह सुबह उड़ करके घर से निकला किसी पुरोहित को बुलाने के लिए। लेकिन वो चलते चलते उनको याद आया, यदि मैं उसी रास्ते में जाऊंगा तो वो महिला मुझे फिर से पकड़ेंगे और बोलेगा बिशप के पास जाओ। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना रास्ता बदला। रास्ता बदल करके जब गया, ये तपियाक पर्वत के एक दूसरे साइड में पहुंचा, वहां पर फिर से दर्शन मिल रहा है। चौथी बार इस प्रकार दर्शन मिलते हैं। तो बोला, मेरे मामा इस प्रकार बहुत सीरियस है, इसलिए मैंने मुझे किसी पुरोहित को बुला करके आना है। ये सब जब बोला तब माता मरियम ने उसे क्या कहा, क्या मैं आपकी मां आपके साथ नहीं हूं, क्या मैं आपकी मां आपके साथ नहीं हूं। ये सभी सुसमाचार प्रचारकों के लिए एक संदेश है। जो कोई प्रभु का संदेश सुनाना चाहते हैं उनके लिए शक्ति देने वाला एक बात यही है। माता मरियम के कहना, क्या मैं आपकी मां आपके साथ नहीं हूं। माता मरियम सभी सुसमाचार प्रचार करने वालों के साथ है। उदाहरण के लिए जुआन डियोगो को उसी समय पर बोले, पहाड़ पर चढ़ो, वहां फूल है उसको तोड़ करके आने के लिए बोला। वो चढ़ करके देखा तो ठंड का मौसम है और उस क्षेत्र में कभी भी इस प्रकार का रोज फ्लावर उसने नहीं देखा और उन फूलों का समय भी नहीं था, लेकिन वहां पूरा फूल दिखाई दिया। उसको अपने ही गाउन में तोड़ करके वो लेकर के नीचे आते हैं। माता मरियम खुद अपने हाथों से उसको सजा करके बोला, बिशप को ये देना, दिखाना, और बिशप मानेंगे। वो गया, बिशप ने पूछा, क्या कुछ चिन्ह लेकर के आए। बोला हाँ, बिशप के सामने
अपना वो गाउन खोल करके उन्होंने वो पूरा फूल नीचे डालते हैं। उसी को देख करके बिशप तुरंत घुटने टेकते हैं और हाथ जोड़ते हैं। जॉन ड्यूगो डर गया, पूछने लगे क्या है, आप मेरे सामने क्यों घुटने टेक रहा। तब उसको मालूम नहीं था जिस गाउन में वो उन फूलों को लेकर के आए, उस गाउन में ऐसे एक सुंदर महिला का चित्र, आज तक वो चित्र एक रहस्य है। वो एक चिन्ह के रूप में वहां रह गया। वो किससे कैसे ड्राइंग किया, क्या है, कौन सा इंक इस्तेमाल किया, आज तक उसको फाइंड आउट नहीं कर पाया। उस गाउन में उसी समय पर एक स्त्री का रूप छपा हुआ मिला। उसको हम लोग गैडलेपे माता के रूप में बताते हैं। और जॉन ड्यूगो ने उसका आइडेंटिफाई किया, हाँ यही महिला मेरे से बात किया था। और तुरंत बिशप ने उस गाउन को वहां रखवाया और 26 अर्थात क्रिसमस के अगले दिन वहां से जुलूस में लोग पूरा इकट्ठा होकर के गए। वहां एक चापल बनवा करके, एक टेम्पररी चापल बना करके उसी में एक गाउन को प्रदर्शित किया। वही स्थान पर इसके बाद वहां गिरिजा बनाया गया और लाखों लोग प्रतिवर्ष वहां विजिट करते हैं। और इतना अधिक चमत्कार होने वाला जगह, प्लस वहां जो मेक्सिको में अंधविश्वास में अविश्वास में पड़े हुए लाखों लोगों का मन परिवर्तन और प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने का कारण यही गाउन बन गया, वही स्थान, वही चर्च, वो जगह बन गया। तो माता मरियम एक सिंबल, एक साधारण सा जुआन डियोगो के द्वारा पूरे मेक्सिको का मन परिवर्तन करने में, और उतना ही नहीं दुनिया के नाना जगहों से लोग वहां पहुंचते हैं, विश्वास करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं और अपने विश्वास में मजबूत होता है। तो माता मरियम मदद करते हैं। मुझे याद आ रहा है मेरा भी इसी प्रकार सितंबर महीने में ही मैंने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। मुझे वो घटना आज भी याद है। मैं जबलपुर में एक घाना पारिश है, उस पारिश का सदस्य था। घाना के उस पारिश का नाम जो है आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ। उस पारिश में हर वर्ष माता मरियम का जो बर्थडे का जन्मोत्सव मनाने के लिए 9 दिन का नोवेना प्रार्थना, उन दिनों में पुरोहित लोग अलग अलग पारिश से वहां आते हैं। इसके बाद वहां पर नोवेना प्रार्थना, चंगाई प्रार्थना, यह सब होता था। लेकिन ये भूकंप के बाद जब चर्च नया बनाया गया और उन्होंने आग्रह किया, हर वर्ष हम लोग माता मरियम का पर्व मना रहे हैं, माता मरियम की से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लोगों को यदि माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा, सहायता के द्वारा कुछ कृपा मिला है, आशीष मिला है, उसका गवाही दीजिए। और पुरोहित ने बोला 5 मिनट दूंगा, आप लोग नाम लिखवाइए जिन जिनको इस प्रकार जो गवाही देना है। अगले 9 दिन में नोवेने के समय पर समय दूंगा, 5 मिनट आप आकर के अपना गवाही दे सकते हैं करके। उसी समय पर मेरे मन में भी लगा, मेरे मन में रोजरी प्रार्थना करते हुए, और रोजरी प्रार्थना के कारण मुझे एक उस समय पर एक नौकरी मिला था। मैं आर्मी से रिटायर होकर के नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहा था, लेकिन जहां मैंने अप्लाई नहीं किया, जहां मैं नहीं जाना चाहता, वहां एक जगह पर ऐसा जबरदस्ती एक नौकरी मिल रहा है। कब, मई महीने में मुझे जो वचनोत्सव जो किताब है, वचनोत्सव मैगजीन जो पढ़ रहा था, उसी के अंदर लिखा हुआ मिला, यदि विश्वास के साथ रोजरी माला आप करोगे, उसमें जो आप मन्नत रखेंगे, जो आवश्यकता रखेंगे, वो पूरा होगा। रोजरी जप लो और आपको आशीष मिलेगा करके। मैंने सोचा क्यों नहीं, इसलिए धीरे धीरे मैंने 4 रोजरी करने का जो जो सिलसिला जो शुरू करना है सब। और
एक दिन इसी प्रकार हमारे परिवार मिलकर के जो प्रार्थना किया, रोजरी प्रार्थना किया, इसके बाद मैं थोड़ा बेड में लेटते ही मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया। मैं यूं ही घर से बाहर निकल रहा था, उस समय प्रायः से एक भूतनी आकर के मेरे दोनों हाथों को एकदम पकड़ते हैं, मुझे मार डालने के लिए, जमीन में पटकने के लिए। उसके हाथ से छुड़ाने के लिए मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन इतना शक्तिशाली, इतना बड़ी राक्षस एक भूतनी थी, तो उसके हाथ से मैं छुड़ा नहीं पा रहा था। मुझे पता चल गया इसके हाथों में अभी मर जाऊंगा। तब मुझे याद आया कि मेरे गले में रोसरी पड़ा है और मैं अभी रोसरी कर के आया है और रोसरी मेरे गले में पड़ा है, उस रोसरी को पकड़ते हैं, इससे मुझे मुक्ति मिलेगा, ये ऐसा एक विचार आया। तो मैंने एकदम रोसरी को पकड़ते हैं, रोसरी को पकड़ते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ वो जो शैतान का जो हाथ मेरे मुझे पकड़ा हुआ था वो एकदम ढीला हो गया। मैं उस समय पर विश्वास के साथ उस क्रूस को उस शैतान की ओर फिर से दिखाना शुरू किया। तब उसकी शक्ति क्षीण होते 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 मेरे हाथ से छूट गया और वो दूर उड़ करके जाने लगे, एक ऐसे एक बिंदु जैसी आकर के वो खत्म हुआ। और मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए उस क्रूस को, उस रोजरी को जब चूम रहा था, उसी समय पर मैंने देखा एक रोशनी उसी जगह पर जहां वो शैतान नष्ट हुआ था, उसी जगह से एक रोशनी उड़ करके आ रहे है। मैंने ध्यान से देखा वो रोशनी बढ़ते 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 आया, वो वेलांगनी माता का एक रूप था, मुस्कुरा रहे थे। तुरंत मैंने आंख खोल दिया और मैं उस स्वप्न से या उस दर्शन से बाहर आया। इसके द्वारा मुझे एक संदेश मिल गया, माता मरियम की मध्यस्थता, और माता मरियम के साथ यदि हम लोग प्रार्थना करेंगे, विशेषकर रोजरी प्रार्थना करेंगे, इस रोजरी प्रार्थना के द्वारा हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकता है, ये मेरे लिए एक शक्ति था। और दूसरा, रोजरी के द्वारा जो नौकरी मिलना, और फादर ने आग्रह किया कोई अगर गवाही देना है तो बता दो। मैं तो डर रहा था क्योंकि मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता था उस समय पर, केवल मेरा दोस्त सब मलयाली लोग हैं, हमारे घर में केवल मलयालम में प्रार्थना करते हैं, मलयालम बाइबल पढ़ते हैं, हिंदी बाइबल मेरे पास नहीं था। इवन प्रणाम मरिया प्रार्थना या हे पिता हमारी प्रार्थना मैं हिंदी में नहीं बोल सकता था, मैं नहीं जानता था उस अवस वो समय। मेरे मन में आया ये जो रोजरी के विषय में, रोजरी प्रार्थना के शक्ति के विषय में थोड़ा गवाही क्यों ना दूं, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा घटना हुआ इसलिए उसको देना। लेकिन मेरे मन में ये डर तुरंत आता है, कैसे मैं हिंदी में बोलूं ये बात, लोग सुनकर के हंसेंगे, बोलेंगे अरे मद्रासी देखो कैसे बोल रहा है। तो इसलिए वो डर के कारण मैं चुप रहा। मैं अगला दिन से देख रहा हूँ एक एक जन आकर के गवाही दे रहा है, उनको क्या क्या कृपा मिला। मेरे तब मेरे मन में आ जाता है नहीं, मेरा गवाही इससे भी बहुत मजबूत गवाही है, मुझे जाकर के फादर को बोलना है। लेकिन फादर को बोलने के विषय में सोचते ही मेरा शरीर कांपने लग जाता है डर के मारे, मैं हिंदी में कैसे लोगों के सामने आकर के बताऊं। इस प्रकार मेरे विचार में 2-3 दिन निकल गया, नवेने के हर रोज कोई ना कोई आकर के गवाही दे रहा है। ऐसा 2-3 दिन के बाद की एक घटना है। उस दिन नवेना प्रार्थना सब खत्म होने के बाद मैं, लोग सब चर्च से बाहर निकले, मैं थोड़ी देर और अपने स्थान पर बैठ करके प्रार्थना कर रहा था। इसके बाद उठ खड़े हो गए और माता मरियम के जो मूर्ति सजा कर रखा है उसकी ओर देख करके मैं माता मरियम से बोला, माँ आपकी गवाही तो मैं देना चाहता हूँ लेकिन डर रहा हूँ, मैं हिंदी में नहीं बोल सकता, सॉरी है। इसके बाद मैंने एक बात और बोला, माँ यदि मैं सचमुच में गवाही देना है, मैं जाकर के अभी फादर को बोलूँ तो फादर बोलेगा अभी रोज तो सब लोग आ रहा है, अभी तक कहाँ सो रहा था, और तुम क्या हिंदी में बात कर पाएगा, हो सकता है मेरे बेइज्जती कर दे। इसलिए यदि मैं गवाही देना है, माँ आप
आप फादर को बोल दो, फादर मुझसे आकर के बोलने दो। मैं बस एक छोटे बच्चे के समान माता मरियम की मूर्ति को देकर के यही कहा, मैं देना तो चाहता हूं लेकिन मैं डर रहा हूं, हिंदी सही नहीं है, और यदि देना है फादर आकर के मुझे बताने दो तब मैं दे दूंगा। मैंने हाथ जोड़ा, दंडवत किया, अपने स्थान से मैं निकल करके चर्च के बाहर गई। चर्च के बाहर जो वही मलयाली लोग रहता है उन अंकल लोगों से बात कर करके खड़ा था। उस समय पर फादर चर्च से बाहर ले आते हैं, सीधा जहां हम लोग खड़े थे वहां पर आकर के मेरे पेट में हाथ रख करके बोला, राजन आपके मुंह से एक गवाही सुनना है। मुझे एकदम शोक लग गया। मैं अभी अभी बोल करके आया माँ को, अगर मैं गवाही देना है तो फादर आकर के बोलने दो। फादर सीधा मेरे पास आते हैं और बताते हैं आपके मुंह से गवाही सुनना है। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा साक्षी यही है, माता मरियम हमारी मदद करते हैं। यदि हमें चुना है, हमारे द्वारा प्रभु का कार्य चलना है, माँ हमारी मदद करते हैं। मैंने तुरंत बोला, हाँ फादर कब? कल बोलना है। बोला नहीं, 9 दिन के लिए तो लोग हो गया है। अभी 9 तारीख को, सितंबर 9 तारीख को हम लोग झंडा उतारेंगे, उसके लिए लोगों को बुला रहा है, लेकिन कुछ और अन्य कार्यक्रम नहीं है, इसलिए आप ऐसा करना आधा घंटा बोल देना। 5 मिनट के लिए मैं घबरा रहा था, यह फादर मुझे बताया आधा घंटा माता मरियम के विषय में कुछ बोल दो। मैं एक और बात बोलूं, इससे पहले मैं कभी भी हिंदी में कहीं भी उतना बात भी नहीं करता था। जो लोगों से बात भी करते हैं टूटा फूटा बातें करते हैं, और दूसरी बात है कभी प्रवचन नहीं दिया, हिंदी बाइबल पढ़ा नहीं मैंने कभी, केवल बाइबल मेरे पास मलयालम बाइबल है। इस अवसर पर पुरोहित, वो फादर पल्ली पुरोहित फादर साइमन जो जबलपुर धर्म प्रांत का घाना पारिश का पारिश प्रिस्ट था, उस समय पर फादर साइमन ने ये कार्य किया था। तो फादर से मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं घर गया, इसके बाद जरूर तैयारी किया, और मुझे मन में आया क्या बताऊं अभी। और वहां जाकर के चर्च से जाकर के मैंने बाइबल खोला, प्रार्थना कर करके मेरे आंखों में आया हुआ एक शब्द एक वचन यही था, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 12:33, फल से वृक्ष को पहचानो। मैं आपको बताऊं, उस महीने में जो डिवाइन वॉइस बोल करके एक मैगजीन है, डिवाइन वॉइस, उस महीने का डिवाइन वॉइस मैगजीन, उस मैगजीन में मैंने जब खोल करके देखा यही वचन हेडिंग लिख करके एक उसका मतलब समझाया हुआ था। वहां पर भी सितंबर, शायद सितंबर महीने के कारण माता मरियम को और यीशु को तुलना करते हुए कई बातें लिखा हुआ था, मुझे बहुत आकर्षित किया। इसका मतलब वहां पर लिखा हुआ वो फल से वृक्ष की पहचान कर लो, अर्थात माँ मरियम के विषय में वो वृक्ष है, फल ईसा मसीह, उनका गर्भ का फल ईसा मसीह। फल से अर्थात मसीह से सीख लो माँ के विषय में। उसी पॉइंट को रख करके मैंने कुछ मलयालम में ही लिख करके आज भी उसको सुरक्षित रखा है, मेरे पास रखा है वो जो फर्स्ट जो क्लास जो मैंने लिया। मेरे विचार में सितंबर 9 तारीख 1999 में या 98 की बात है, मैंने उस दिन 1 घंटे से ज़्यादा एक क्लास लिया, मुझे स्वयं नहीं मालूम। सबसे पहले मैंने पल्ली पुरोहित को बुलाया, फादर मुझे क्यों बुलाया इसका साक्ष्य जो थोड़ा फादर देने दो बोल करके। तो फादर आकर के बोला,
मुझे ऐसे समय वेदी में था, मैंने देखा राजन जाते हुए समय पर, मेरे मन में प्रेरणा आया इनको पकड़ते हैं, 9 तारीख को कोई नहीं है, 9 तारीख के लिए थोड़ा ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि ये थोड़ा मरियम भक्त लग रहा है, माता मरियम के सब लोग जाने के बाद भी चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहा था, हाथ जोड़ करके माता मरियम के मूर्ति के सामने खड़ा था, इसलिए इसको पकड़ लेते हैं, प्रेरणा आया बोलता है। लेकिन वो प्रेरणा कब आया, जब मैंने माता मरियम से कहा यदि मैं गवाही देना है फादर आने दो, उसी समय पर माँ फादर के मन में प्रेरणा देते हैं, मुझे पकड़ते हैं। मैं बताऊं इसके बाद वही पुरोहित मुझे हम वहां एक दो जगह पर लेकर के गया। इसके बाद सन 2000 में फादर जोस प्रकाश, आज भोपाल धर्म प्रांत के एक पुरोहित है, वहां जबलपुर में एक प्रार्थना जो घर बनाया, प्रेयर सेंटर था। इसके बाद वहाँ उस फादर के साथ जुड़ करके मुझे और सीखने, और वो फादर के द्वारा मुझे, मेरे विचार में 2005 तक वही उसी फादर के साथ मैं यहाँ वहाँ जाता था, और आज तक प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य है, हमें क्यों डरना है, हमारी माँ हमारी सहायता करने के लिए साथ है। यदि प्रभु की सेवा करना है, माँ हमारी सहायता करती है। और भी है, 2006 में मैं फुल टाइम अन्य कोई काम नहीं करता, मैं इसके बाद कुछ काम वगैरह कर रहा था, इसके बाद 2006 से कोई अन्य काम नहीं करूँगा, प्रभु का सेवा करूँगा, एक नचे करने का कारण भी यही है। सितंबर महीने में इन नौवेने के समय पर 9 दिन उपवास करते हुए मैंने प्रार्थना किया, मुझे इसी प्रकार चिन्ह मिला, मुझे अन्य काम नहीं प्रभु का सेवा करना है, माता मरियम ने मुझे बताया। वो बहुत बड़ा एक अद्भुत साक्षी है, वो भी बताता हूँ। फादर वहाँ से, फादर जोस प्रकाश जबलपुर से भोपाल चला गया, इसके बाद भी फादर के साथ हमारा एक रिट्रीट पंचाव में था, इसके बाद दिल्ली में था, डिवाइन में, इसके बाद बुरारी में नाइट विजिल था। तो वहाँ जाने के समय पर मेरे मन में यही था, अभी उस समय पर मेरे नौकरी में भी कुछ संकट आया हुआ था, तो विदेश में नौकरी करने के जाने का विचार आया, वो जाना है। तब एक निर्णय किया, अगर मैं विदेश जाऊंगा तो मैं प्रभु का सेवा नहीं कर सकता, क्या करना है, इसका डिसीजन लेने के लिए फिर से मैं माता मरियम की मदद मांगा। 9 दिन के इन सितंबर महीने का नोवेना शुरू किया, उपवास करते हुए प्रार्थना करने लगे। यही था हम लोगों के जो प्रोग्राम के बाद यदि मैं वापस जबलपुर आऊँ, उससे पहले कोई डायरेक्ट मुझे एक रिट्रीट के लिए नहीं बुलाएगा तो मैं आऊँगा, इसके बाद मुंबई जाकर के विदेश जाने के लिए सब तैयारी करेंगे। यदि इस दौरान दिल्ली में है, पंजाब में है, 3-4 जगह पर हमारा प्रोग्राम था फादर जोस प्रकाश के साथ, फादर जोस प्रकाश जरूर मुझे बुलाता है, फादर जोस प्रकाश नहीं बुलाना, उनका बुला रहा है ये स्वीकार्य नहीं, उनके अलावा कोई मुझे डायरेक्ट मुझे बुला ले, ये एक चिन्ह रहेगा कि मुझे प्रभु का ही सेवा करना है, अन्यथा मैं नौकरी करने के लिए चले जाऊंगा। तो फादर के साथ हमारा इसके ऊपर बातचीत भी हुआ था, फादर ने पूछा क्या निर्णय में, उन्हें बोला बाद में बता दूंगा। जब पंजाब में रिट्रीट था, पंजाब में जहाँ गया वहाँ पर मैं देखा वहाँ का फादर मुझे और कोई रिट्रीट के लिए तो नहीं बुला रहा है, कई जगह पर हम लोगों ने विजिट किया उस समय पर भी देखते रहा कोई मुझे रिट्रीट के लिए तो नहीं बुला रहे हैं। इसके बाद दिल्ली में आया डिवाइन फरीदाबाद में, वहाँ मैंने सोचा हाँ पक्का यहाँ का डायरेक्टर मुझे अगला एक रिट्रीट के लिए बुलाएगा, नहीं बुलाया। इसके बाद वहाँ पर नाइट विजिल था बुरारी में, वहाँ पर गया, मैंने सोचा हाँ अगले महीने के या कहीं आगे एक नाइट विजिल के लिए और बुला लेगा, नहीं हुआ। ये नाइट विजिल सबका समाप्त होकर के मुझे निजामुद्दीन स्टेशन से जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ना है, उस समय पर हम लोग गाड़ी में आ रहा था निजामुद्दीन स्टेशन के लिए, मैं सामने बैठा हुआ था, फादर और एक ब्रदर सब पीछे बैठे हैं,
उस समय पर निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने के पहले मैं यही सोच रहा था, अभी जाऊंगा जबलपुर जाकर के बॉम्बे के लिए रिजर्वेशन करके बॉम्बे जाऊंगा, वहां से विदेश जाऊंगा, नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, अभी प्रभु का सेवा बस यहाँ समाप्त हो गया, ये सब सोच करके जा रहा था। निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने के कुछ समय पहले वो जो ब्रदर सांत्वना कम्युनिटी का जो ब्रदर है उनके ही गाड़ी में हम लोगों को स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहे हैं। सांत्वना कम्युनिटी का एक ब्रदर, उनके फोन में घंटी आया, वो फोन उठाया, मेरे पास उस समय पर मोबाइल नहीं था, उनके मोबाइल में वो मोबाइल उठाया तुरंत तो मुझे दिया करके बोला ब्रदर आपके लिए। सोचा कौन है, फोन उठाया तो वो फोन था उस समय पर अजमेर धर्म प्रांत से, अजमेर धर्म प्रांत का यूथ डायरेक्टर का फोन था। उस यूथ डायरेक्टर ने बोला ऐसे ऐसे एक यूथ रिट्रीट हम लोगों ने इस महीने में निश्चित किया है, क्या आप आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच गया, यदि मैं ट्रेन में बैठ गया इसके बाद मैं अकेला जबलपुर जा रहा हूं, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं। हमने एक शर्त रखा था यदि वापस मैं जबलपुर पहुंच गया इसके बाद मुझे तो नौकरी करना है, यदि नौकरी नहीं करना है मैं जबलपुर पहुंचने के पूर्व में कोई फादर मुझसे बात करें। कब बात किया, निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने के पूर्व में, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था इसलिए मैं स्वप्न देख रहा था जाते ही बॉम्बे जाएंगे, विदेश जाएंगे, पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन प्रभु महान है, वो दूसरे एक ब्रदर सांत्वना कम्युनिटी का जो ब्रदर था, ये सब साक्षी है, फादर है, एक सिस्टर है, उन लोग तीन पीछे बैठा हुआ, मैं आगे वाला सीट में बैठा हुआ था ड्राइवर सीट के बगल में, तो मुझे फोन दे रहा है अजमेर। मैंने इसलिए स्थान जगह सब बोल रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा गवाही है, अजमेर का यूथ डायरेक्टर था और उस रेटिट जो है अजमेर का थिएटरल में हुआ था, ये सब मुझे आज भी याद है। तो प्रभु जो कार्य करने के लिए हमें चुना है, माता मरियम हमारा साथ देते हैं, माता मरियम की भक्ति करते हुए जो कुछ मांगा है हमें मिला है। प्रभु के कार्य के लिए माँ मरियम मदद करती है, इससे बढ़कर के क्या उदाहरण चाहिए। इसलिए मेरे जो मातृछाया मिनिस्ट्री बोल करके हमारे इस मिनिस्ट्री का नाम डाला है, माँ के शरण में माँ की मदद निरंतर हमें मिलते रहता है और माँ के मध्यस्थ के द्वारा हम बहुत कुछ पा रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। माता मरियम सब सुसमाचार प्रचारकों की रानी है, वो हमारी मदद करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाते हैं और प्रभु ने उन्हें नियुक्त किया है, आज भी वह कार्यरत है। विश्वास कीजिए माता मरियम की मध्यस्थता में, विश्वास कीजिए उस शक्तिशाली मध्यस्थता सहायता, विशेष रूप से सुसमाचार का प्रचार करने वाले जो भी सेवा कार्य करने वाले लोग हैं उनको मिलते रहता है, उसको अनुभव कीजिए। माता मरियम आप सबों को प्यार और सहायता प्रदान करते रहे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय।